बेटी की शादी को 2.5 साल हुए हैं, तो पहली बेटी पैदा हुई है, तो बेटा पैदा ना होने की वजह से उस बेटी को कत्ल कर दिया, उस बेटी को 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, उस फूल को 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, जिस बच्ची को पता नहीं है वो दुनिया में क्या करने आई है, उस बच्ची को पता नहीं है कि वो दुनिया में क्या करेगी, उसको पता नहीं है, उसने अच्छी तरीके के साथ आंखें नहीं खोली, नन्ना फूल नन्नी बच्ची, ये आज से 1600 वर्ष पीछे चले जाए ना, तो तब ये होता था कि बेटी अगर पैदा होगी उससे जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस दरिंदे से मैं ये कहना चाहता हूँ, तेरे घर में तो रहमत आई थी, तेरे घर में तो रहमत आई थी, ऐसा दरिंदा सफात बाप मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं देख सकता कि बाप इस तरह कर सकते। पिछले दिनों जो बहुत बड़ा सानिया हुआ, 5-7 दिन की बच्ची को सगे बाप ने 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। उस बच्ची का नाम जन्नत फातिमा था, और वो जन्नत फातिमा अब दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन उसका नाम तो रह गया। लेकिन उस बेटी से मैं कहता हूँ, बेटी हम तो आपसे शर्मिंदा हैं, लेकिन हम क्या कर सकते थे, हम आपकी आवाज़ तो बन रहे हैं, बाकी इस दरिंदे को इंशाल्लाह सजा दिलवाएंगे। मेरे साथ उनके मामू मौजूद हैं और मेरे साथ उनके नाना जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये सारा वाकया कैसे हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं ये सारा वाकया कैसे हुआ था। वाकया ऐसे हुआ कि जन्नत 7 दिन पहले पैदा हुई थी, ये मेरे मामू हैं, जन्नत के नाना हैं, और मेरे 2 और कज़न, ये मुबारकबाद के लिए उनके घर गए, तो मुबारकबाद के लिए गए तो वो दरिंदा आया, बच्ची जो है माँ का दूध पी रही थी, उसकी बच्ची माँ की गोद में थी, उसने बच्ची को छीना माँ से और पहले फर्श पर गिराया, उसके ऊपर यक्के बाद डिग्री उसने 5 फायर किए, और इन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है असला था उसके पास, असला लहराता हुआ वो वहाँ से दौड़ गया। अच्छा, अब ये बताएं कि बच्ची को पकड़ कर फर्श पे फेंका। जी, पहले फर्श पे फेंका बच्ची को जोर से। नाज़रीन देखें कि उस बच्ची पे, 7 दिन की बच्ची पे कैसी गुजरी होगी जब उसको फर्श पे फेंका गया, किस तरह वो मतलब किस तरह वो वाकया होगा, किस तरह वो लम्हा होगा जिस बच्ची को ऊपर से पकड़ कर नीचे फर्श पे फेंका गया। अच्छा, उस वक्त बच्ची किसके पास थी? बच्ची माँ के पास थी, बच्ची माँ के पास दूध पी रही थी बच्ची। अच्छा, बच्ची को फीड किया जा रहा था। जी बिल्कुल, बच्ची फीड कर रही थी। देखिए नाज़रीन, बच्ची को फीड करवाया जा रहा था, और गोद से उठा के, माँ की गोद से उठा के, माँ की कोख से उठा के दरिंदे बाप ने, बाप तो नहीं मैं कहना चाहता, उस दरिंदे शख्स ने उठा के पहले फर्श पे फेंका, फिर ऊपर से 5 गोलियां मार दी। तो देखिए कि 7 दिन की बच्ची कितनी होती है, बिल्कुल नन्ना फूल, नन्नी सी बच्ची, बिल्कुल नन्नी सी बच्ची है। तो क्या गुजरी होगी उस वक्त, उस दरिंदे को ज़रा भी नरमी नहीं आई, उस दरिंदे को ज़रा भी तरस नहीं आया उस बच्ची पे। कीन माने मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या कि सगे बाप ने 5-7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मार के कत्ल कर दिया। ऐसे पहले होता देखा ज़रूर है कि बच्ची हुई है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है, उसको पकड़ा है और भाई की कूड़े में फेंक दिया है, कूड़े में रख दिया है, कोई वहाँ से कोई उठा के ले जाता है। लेकिन ज़िंदगी में पहला वाकया ये देखा है कि बच्ची को अपने ही हाथों से कत्ल कर रहे हैं। क्या कि बेटा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन मियाँ बीवी को आपस में कोई पहले लड़ाई झगड़ा देखा आपने? नहीं, इनकी शादी को तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना तो हमारे भी थोड़ा सा जहन में होता, मतलब जन्नत पैदा हुई थी, थोड़ा सा हमें आइडिया होता कि ये इस तरह की हरकत करेगा, हम अपनी बच्ची को घर ले आते, ज़ाहिर है हम मारने तो ना देते, तो इसका बिल्कुल पहले से कोई आइडिया नहीं था, ये पता था कि ये नाखुश है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो बच्ची की पैदाइश पर नाखुश होते हैं, बाद में वो ठीक हो जाते हैं, अब इस हिसाब तक तो कोई नहीं जाता। कैसे आपको फील करवाया कि वो ना खुश है बेटी पैदा हुई है? तो हमें अपनी बच्ची ने बताया था कि वो बच्ची की पैदाइश पे ना खुश है। अच्छा, हाँ। आपकी बेटी ने वो आपको बताया कि जी बेटी पैदा हुई है तो वो खुश नहीं है? खुश नहीं है, हाँ, वो पहले से भी मतलब है कि बेटी की ख्वाहिश होती है, तो अक्सर लोगों को बेटे की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो इस हद तक तो नहीं जाते ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो जो बंदा था, जो आपका दामाद था, वो आपके रिलेटिव था या आउट ऑफ जो बहनोई था, मतलब मेरी कज़न का हस्बैंड था। आपका तो बहनोई था, बहनोई से पहले रिश्तेदार था या रिश्तेदार था मेरी कज़न का, वो खाला का बेटा था। अच्छा, आपकी कज़न की खाला का बेटा था? जी, मतलब फातिमा की खाला का बेटा था। फातिमा की खाला का बेटा था जी। अच्छा, तो जब उसने मारा तो उस वक्त कौन पास था जब उसने बच्ची को फायर मारे गए थे? मेरे मामू थे, मेरे 2 और कज़न थे, ये मुबारकबाद के लिए गए हुए थे, ये लोग पास थे उनके। तो
मारते वक्त फरार हो गया। मारते वक्त फरार हो गया, ज़ाहिर है उसने फिर फरार तो होना ही था कि ये तीन लोग हैं मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन इनके पास असला नहीं था, उसके पास तो असला था। तो जो जिस बंदे के ऊपर इतना भूत सवार होता है वो ज़ाहिर है वो अपनी बच्ची की जान ले सकता है, तो ये कौन है फिर, इनकी भी जान ले सकता था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं वो बंदा करता क्या था, उसका नाम क्या है? उसका नाम शाहजेब है। वो अभी तो उसने मेरे ख्याल को डिस्पेंसर का कोर्स मुकम्मल किया, अभी उसने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, अभी जॉब नहीं लगी थी उसकी। उसने पहले मैट्रिक की, फिर एफएससी की, फिर उसने मियाँ वाली हॉस्पिटल में डिस्पेंसर का कोर्स किया। अच्छा, अभी जॉब नहीं करता था, डिस्पेंसर का कोर्स कर रहा था। हाँ कर रहा था, या मेरा ख्याल शायद मुकम्मल हो गया था, मुझे कन्फर्म नहीं है। अच्छा उसके बाद मुझे ये बताएं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर हमें कोई शक नहीं है। आईजी साहब ने नोटिस लिया, वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया, फिर आईजी साहब ने नोटिस लिया, तो पुलिस ने बहुत भाग दौड़ की है और भाग दौड़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको कामयाबी होगी। तो मुझे ये बताएं कि जब से वो फरार हुआ तो अभी तक कोई हाथ नहीं लगा, कोई पता नहीं चला? पुलिस ने 16 रेड भी किए हैं एक दिन में, तो ज़ाहिर है इलाके की पुलिस है, इलाके की पुलिस में ये भी सम टाइम हो जाता है कि कोई ना कोई आपका रिलेटिव पुलिस में होता है तो वो इतला दे देता है वो रेड की, जो तो इंशाल्लाह हो जाएगा। पुलिस की कोशिश के ऊपर हमें कोई शक नहीं है, बहुत मेहनत। इनकी शादी को कितनी देर हुई है? इनकी शादी को तकरीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए जी। नाज़रीन ये देखें कि बेटी की शादी को 2.5 साल हुए हैं, तो पहली बेटी पैदा हुई है, तो बेटा पैदा ना होने की वजह से उस बेटी को कत्ल कर दिया, उस बेटी को 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, उस फूल को 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, जिस बच्ची को पता नहीं है वो दुनिया में क्या करनी आई है, उस बच्ची को पता नहीं है कि वो दुनिया में क्या करेगी, उसको पता नहीं है, उसने अच्छी तरीके के साथ आँखें नहीं खोली, नन्ना फूल नन्नी बच्ची। ये आज से 1600 वर्ष पीछे चले जाए ना तो तब ये होता था कि बेटी अगर पैदा होगी उससे जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये वही दौर है, ये वही दौर है आपके सामने है कि जी 5 दिन की बच्ची को, 7 दिन की बच्ची को जिंदा जो है ना गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता, पहले नीचे फेंका जाता फर्श के ऊपर, फिर गोलियां मार दी जाती हैं। क्या है कि जी बेटा पैदा नहीं हुआ। अरे भाई उस दरिंदे से मैं ये कहना चाहता हूँ, तेरे घर में तो रहमत आई थी, तेरे घर में तो रहमत आई थी। ऐसा दरिंदा सफात बाप मैं कभी भी जिंदगी में नहीं देख सकता कि बाप इस तरह कर सकते, इस तरह करेगा वो। मैं वज़ीर आला से भी कहना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म आपका ये हलका है, वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ये आपका मियाँ वाली है, थोड़ा सा नसल नज़रसानी करें, ठीक है आपकी पुलिस कार्रवाई कर रही है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि इसको अगर पकड़ा जाता है, ये गिरफ्तार होता है ना, तो इसको फ़ौरन ही इसका जो ना हक जो ना इसको फांसी पर लटकाया जाए, इसका जो ना केस जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि जल्द से जल्द लोगों के सामने आए ये जो दर्द दिल में भर गया हुआ ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये दर्द ऐसे नहीं ख़त्म होगा। अगर कोई और वाक्या होता है वो दर्द और चीज़ है, लेकिन ये 5-7 दिन की बच्ची पे